यहाँ वहाँ क्या देख रहे अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनिति में फंसा के मार डालोगे। मैं मद्राज चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम, कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्रराज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्रराज इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। मामा श्री, क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़े दोगे? नहीं बांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। Thank you.
साधो, निकोदर भीम साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ। अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण? नहीं, ऐसा तो नहीं, तुम स्वयं उस बल का आनंद ले रहे थे। विश्वास नहीं होता मामा श्री कि आप हमारे शत्रु के साथ मिलकर हमें ही परास्त करने पे तुले हैं। आपसे सहायता मांगना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आपको परास्त कर हम अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। आइए मामा श्री, हमसे द्वंद कीजिए। इसे कल मेरे महारथी ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जाओ लो जाओ, कर्ण ने तुम्हें क्षमा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। जाओ दौड़ जाओ, अपनी ही बहन के अंश को नहीं मारना चाहता, इसलिए दौड़ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे है लग रहा हो मामा श्री? है। शल्य कब है? Yeah.
भय और प्रहार क्या होता है उसका ज्ञान आज तुम्हें हो जाएगा बांजे। समाधि में बैठे मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले हत्यारे, मैं तुम्हें इस गुरु पुत्र का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। पांजे हो, एक अवसर और देता हूं, उठाओ अपना शस्त्र और प्रहार करो। क्या हुआ? कोई पांडव सेना में ऐसा भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। या तो मुझसे युद्ध करो अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ये सब क्या हो रहा है माता? मदरराज अचानक से इतनी शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या उन्हें परास्त करने का कोई उपाय नहीं? किसी भी शक्ति का तोड़ ढूंढने से पूर्व उस शक्ति को समझना अनिवार्य है पार्थ। ऐ कोई मेरे समक्ष जो मुझसे युद्ध कर सके। मद्राज की शक्ति उनके शत्रु के क्रोध में है पार्थ, उन्हें केवल वही परास्त कर सकता है जो अपने क्रोध को अपना अस्त्र बना सके, या वो जिसे अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हो, जैसे कि अंगराज कर्ण ने किया था पार्थ। अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर
उन्होंने शैल्य को पराजित किया था। युधिष्ठिर, कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना हो। है कोई मेरे समक्ष? मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं मामा श्री। जब अर्जुन का गांडी भीम की गदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मेरे भांजों को भी मेरे समक्ष घुटने टेकने पड़े, तो तुम किस शास्त्र की सहायता से मुझे परास्त करोगे युधिष्ठिर? हो, कहीं तुम चौसर के खेल की चुनौती देने तो नहीं आए युधिष्ठिर? ओ, मैं तो भूल गया था, तुम जीत के लिए अस्त्र नहीं उठाते, अपने परिवार को दांव पे लगाते हो, दांव पर। परंतु दांव पर किसे लगाओगे? पांचाली को तो तुमने बुलाया नहीं है। तो बताओ युधिष्ठिर, मेरे साथ चौसर खेलोगे या है तुम्हारे पास कोई अस्त्र मेरा सामना करने के लिए? अस्त्र है मेरे पास। कैसा अस्त्र? शांति और सत्य। ये समस्त विनाश तुम्हारे कारण हुआ है। ये महाभारत तुम्हारी एक भूल के कारण हुआ है। आपने उचित कहा मामा श्री, ये समस्त महाभारत मेरे उस भूल के कारण हो रही है। तो अब समय आ गया है अपनी उस भूल को सुधारने का, और आपका समय आ गया है अपनी भूल का पश्चाताप करने का। इस प्रकार के पुरुष हो तुम, द्रौपदी का पान स्मरण करके लज्जा और क्रोध नहीं आता तुम्हें? जो ना कर सके उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जो हमारे वश में है वो कर्म किया जाए। और इस समय मेरा कर्म युद्ध है। सावधान मामा श्री। तो आओ युद्ध करो। ये आकाश गम